हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रा शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज हम लोग रिलायंस इंफ्रा शेयर के जानने वाले हैं रिटर्न, शेयर होल्डिंग, टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग रिटर्न्स पे। तो आ चुके फ्रेंड हम लोग रिटर्न्स पे। यहाँ देख सकते हैं, एक वीक में 3% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, एक मंथ में 11% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, 2 मंथ में लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 9% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, 1 साल में 39% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 2 साल में 116% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 साल में 733% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, 5 साल में 67% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चल के एक बार प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं फ्रेंड। इसका बात करें फ्रेंड इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर के पास 18.67% की होल्डिंग है, FII के पास 12.3% की होल्डिंग है, DII के पास 3.22% की होल्डिंग है, पब्लिक के पास 65.67% की होल्डिंग है, अदर होल्डिंग 0.14% की होल्डिंग है। होल्डिंग जो है प्रमोटर की काफ़ी बेकार है फ्रेंड। मिनिमम प्रमोटर की होल्डिंग 55% से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग डे कैंडल का यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली या मंथली कैंडल का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आ चुके हैं हम लोग डे कैंडल के चार्ट पे। ठीक है, रिलायंस इंफ्रा। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में टारगेट पहले बताता हूँ, फिर स्टॉप लॉस बताऊँगा। शॉर्ट टर्म में इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड वो होगा 145 रुपया, 145 रुपया। सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 157 रुपया, और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 169 रुपया, 169 रुपया। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 133 रुपया, 133 रुपया। इसका जो सेकेंड स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 127 रुपया। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो थर्ड स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो होगा 119 रुपया। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग लॉन्ग टर्म पे जानेंगे फ्रेंड इसका टारगेट और स्टॉप लॉस। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वीकली कैंडल का यूज़ करेंगे। ठीक है, वीकली कैंडल पे फ्रेंड इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 168 रुपया, और इसका सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 199 रुपया। ठीक है, और इसका जो थर्ड टारगेट होगा वो होगा 260। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें इसके स्टॉप लॉस की फ्रेंड, तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा 115 रुपये का, 115 रुपये का, और इसका सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड वो हो जाएगा 78 रुपये का, 78 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो थर्ड टारगेट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका 43 रुपये का, 43 रुपये का। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स पे चल के न्यूज़ और इवेंट्स वगैरह देखते हैं। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग फंडामेंटल्स पे। यहाँ देखिए इसका पूरा नाम है, ये स्मॉल कैप का शेयर है, और यहाँ ऊपर फंडामेंटल आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बाउंड वीक हाई की बात करें 201 रुपये 35 पैसा है, बाउंड वीक लो की बात करें 80 रुपये 80 पैसा है, मंथली रिटर्न की बात करें 11% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न है, ईयरली रिटर्न की बात करें 39% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, मार्केट कैप की बात करें 4,844 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, शेयर होल्डर्स की बात करें 7.3
7.15 लाख इसका शेयर होल्डर से। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चल के एक बार इवेंट्स देखते हैं। फ्रेंड इवेंट्स की बात करें फ्रेंड, तो देखिए इसका जो इवेंट्स है आज अनाउंसमेंट होने वाला है 30 मई को, मतलब आज के दिन। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग चल के इसका न्यूज़ सब देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग न्यूज़ पे। दो न्यूज़ है और दोनों 4 दिन पुराना है। तो देखिए इसका इसका मतलब ये है कि ग्लोबल ग्लोबल जो है ग्लोबल डिस्ट्रेट फंड जो है फंड भारतीय रिजल्ट पर भारी पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। इस न्यूज़ के अंदर कुछ शेयर कुछ स्टॉक को देखने के लिए बोला गया है, जो मतलब 25 मई के दिन जो अच्छा करने वाले थे। ठीक है, जिसमें से था एक अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस, इंफ्रा इन नहीं इंफोसिस, विप्रो, वेफल इंडिया, सेजल ग्लास, दीपक नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड, और ऐसे बहुत सारे थे, IDFC, IRCTC, ये सब बहुत सारे शेयर थे। वो शेयर का इसमें लिस्ट है। ठीक है, आप लोग जाके उसे एक बार चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।